गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री इन चैप्टर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी आर डिस्कसिंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. तो ऑक्सो एसिड का मतलब जिस एसिड के अंदर क्या हो आपका ऑक्सीजन है. तो जो आपका सल्फर है ये बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है. कौन कौन से बनाता है देखो. सल्फर फॉर्म से नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स सच एज कौन कौन से हैं वो. जैसे H2SO3 है आपका H2SO3 है H2SO4 है H2SO5 है. इसके बाद आपका H2SXO6 है और यहां पर X=2 2 5 है कोमा H2SO4 है H2O7 है H2SO5 है H2SO8. तो जो आपका सल्फर होता है बहुत सारे क्या बनाता है ऑक्सो एसिड बनाता है. ऑक्सो एसिड का मतलब जिस एसिड के अंदर आपका क्या हो ऑक्सीजन है. जैसे HCl एसिड है लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये सभी के अंदर ऑक्सीजन है. तो ये ऑक्सो एसिड किसके कहलाएंगे सल्फर के. H2SO3 है H2S2O3 है H2S2O4 है H2S2O5 है. इसके बाद H2S6O6 है. X की वैल्यू यहाँ 2 से 5 हो सकती है 2 भी हो सकती है 3 भी 4 भी 5 भी. फिर नेक्स्ट H2SO4 है H2S2O7 है H2SO5 है H2S2O8 है. तो ये तो थे आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. अब इसके अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इनकी स्ट्रक्चर्स ऑफ सम स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. अब हम इनमें क्या करेंगे ऑक्सो एसिड्स की सल्फर की हम डिस्कशन करेंगे किस किस ऑक्सो एसिड की क्या स्ट्रक्चर है. इसमें हम सारे नहीं करेंगे कुछ कुछ इंपोर्टेंट करेंगे डिस्कशन. तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कशन करते हैं H2SO3 की. इसकी डिस्कशन करेंगे H2SO3 की. तो देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है. और इसका नाम क्या है आपका सल्फ्यूरस एसिड. क्या है सल्फ्यूरस एसिड. तो H2SO3 को क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड. और ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जितने OH बॉन्ड होंगे वो उतना ही बेसिक. देखो एसिड की क्या होती है आपकी बेसिसिटी होती है. क्या होती है बेसिसिटी. और बेसिक क्या होती है आपकी एसिडिटी. तो इसके अंदर दो OH हैं तो इसका मतलब ये आपका क्या है ये आपका एसिड क्या है डाई बेसिक है. क्या है डाई बेसिक है. नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं जैसे आपका H2SO4 की. H2SO4 की देखो ये स्ट्रक्चर है. इसका क्या नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड का नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड. और इसके अंदर जितने OH बॉन्ड है दो OH बॉन्ड है. तो इसका मतलब इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा आपका डाई बेसिक होगा. कैसा होगा डाई बेसिक.
दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है और दो ऑक्सीजन OH OH से है, तो जितने भी OH होंगे उतना ही वो बेसिक होगा। तो ये भी आपका, इनमें जनरली आपसे पूछ लेते हैं बेसिसिटी, ये आपका मोनो बेसिक है डाई बेसिक है, तो ये भी आपका क्या है डाई बेसिक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं OA, और इसका नाम क्या है आपका पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड S, तो ये आपका कौन सा था पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखो पर ऑक्सोवर्ड इसलिए है कि यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे सोडियम परोक्साइड या हाइड्रोजन परोक्साइड के अंदर पर ऑक्सोवर्ड आता है सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के लिए। तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक मतलब दो सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसमें भी आपके दो ही OH बॉन्ड है, तो इसलिए क्या है आपका ये डाई बेसिक है। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर में वो है आपका H2S2O7, और इसका नाम क्या है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका एक नाम और भी है, हम इसको बोल देते हैं ओलियम, क्या बोल देते हैं इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या हो गया H2S2O7, और इसको क्या बोल देते हैं ओलियम। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, जैसे तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दोनों जो सल्फर एटम एक सिंगल ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये आपके पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर भी आपके दो ही OH हैं बॉन्ड, इसलिए ये भी आपका क्या है डाई बेसिक है। इस तरह से आपकी है ना जो बुक्स में भी दे रखी होंगी, बाकी जो ऑक्सो एसिड्स है सल्फर की उनकी स्ट्रक्चर आपको एक तो इम्पोर्टेंट है, और उसमें सेकेंड अच्छी बात बेसिसिटी कि वो मोनो बेसिक है डाई बेसिक है ट्राई बेसिक है या आई। तो आज हमने पढ़ी है डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर उनकी बेसिसिटी के बारे में, ठीक है ओके। नेक्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट फैमिली ग्रुप 17 फैमिली और फ्लोरीन फैमिली और हेलोजन फैमिली, ओके थैंक यू।